सो गाइस जो आपको ये सामने दिख रहा है 64,000 रुपीज, ये मैंने जस्ट इंस्टाग्राम का यूज करके और ईमेल मार्केटिंग का यूज करके जनरेट किया। अगर आपको जानना है कैसे तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और मेरे स्टेप्स को जरूर फॉलो करना है। सो दोस्तों अगर आप आगे सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको देखना है लास्ट तक, बिकॉज मैं आपकी हेल्प करूंगा ये चीज करने में 101%। अगर आप नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिले, और प्लस इस वीडियो को कर दो लाइक ताकि आपको मैं ऐसी वीडियोस देता रहूं, राइट। तो अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर में और देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। मेक श्योर आपको ये अप्लाई करना है, तभी आपको ऐसे अमाउंट जैसे 60,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए इजी आप जनरेट कर सकते हो। मैंने अभी जो आपको दिखाया वो सिर्फ एक महीने का है, इससे ज्यादा अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कई कई बार 2,00,000, 2,50,000 रुपए तक भी जनरेट आप कर सकते हो इस मेथड से। तो मेक श्योर आपको अच्छे से चीजों को फॉलो करना है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है कि आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना है। अगर आप खुद सामने आके चीजों को प्रमोट करना चाहते हो तो आपको ऐसा प्रोफाइल बनाना है जैसा प्रोफाइल मैंने बनाया, राइट। सो आप देख सकते हो कि मैंने बताया है कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ और कैसे लोगों की हेल्प करता हूँ। आप चाहो तो आप मेरे प्रोफाइल पर विजिट करके और अच्छे से चीजों को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपको अपना बायो लिखना है, उसके बाद आपको एक लिंक फिट करनी है, जो भी चीज आप बेचना चाहते हो, जो भी चीज आप लोगों को बताना चाहते हो और जहां पर भी लोगों को ड्राइव करना चाहते हो। नेक्स्ट जो चीज है, यहां पर आपको अपने हाइलाइट्स बहुत सही से बहुत सटीक सेट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। हमेशा आपको यह चीज याद रखना है कि जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, जो भी पेज आप बिल्ड कर रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट ही आप बिल्ड करोगे। मतलब कि मेन इंटेंशन क्या है आपका उस प्रोफाइल को बिल्ड करने का। जैसे कि मान लो मेरा जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि मैं लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग सिखा सकूं, उनको हेल्प कर सकूं ऑनलाइन अर्निंग में और उनको ग्रोथ दिला सकूं ऑनलाइन अर्निंग में, राइट। सो मेरा आप जो पोस्ट देखोगे ज्यादातर आपको ऐसे ही दिखेगा जिसमें मैं उनको मोटिवेशन देते रहूंगा या उनको कुछ सिखाऊंगा। सो यू कैन सी लाइक दिस पोस्ट राइट ऑन माई प्रोफाइल, एंड मेक श्योर आप जाके मेरे प्रोफाइल पे एनालाइज जरूर करें कि मैं क्या क्या चीजें यहां पर सेट करके रखा हूं। वैसे ही आप अपने प्रोफाइल को भी सेट करें अगर आपका एक पर्सनल प्रोफाइल है तो, राइट। आपको लिंक जो है मैं अपने प्रोफाइल का नीचे दे देता हूं, जाके जरूर देखें और अच्छे से चीजों को एनालाइज करें। अब नीचे अब आओगे तो आप देखोगे तरह तरह के पोस्ट हैं और हर पोस्ट लोगों को ड्राइव कर रहा है ऑनलाइन अर्निंग की तरफ और हर पोस्ट लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वो ऑनलाइन अर्निंग करें, वो एफिलिएट मार्केटिंग करें और डेली के पैसे जनरेट करें, राइट। सो यू कैन सी द ऑल द पोस्ट, राइट। अब यहां पर देखो मैं कुछ कुछ चीजें हैं ट्रेंडिंग चीजें मैं डाल रहा हूँ, राइट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के इसमें देखोगे तो इसमें मैंने बहुत सारे मीम्स यूज किए हैं जो ट्रेंडिंग चलते हैं। ये जो पोस्ट है आपने बहुत सारे पेजेस पे देखा होगा। तो क्या ये कंटेंट आइडिया मेरा है? नहीं, ये कंटेंट आइडिया मेरा नहीं है, बट ये पोस्ट मेरा है। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि देखो लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो अलग 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 कंटेंट बनाते हैं, अलग अलग कंटेंट जनरेट करते हैं, बट आपको उनमें से बेस्ट कंटेंट को चुनना है और उसी कंटेंट का यूज करना है अपने प्रोफाइल पे। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये कंटेंट आइडिया मेरा नहीं है, बट बहुत सारे लोग हैं जो अलग 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 कंटेंट को टेस्ट करते हैं, बट उसमें से कोई एक आध कॉन्टेंट बहुत ज्यादा वायरल होने लगता है। फिर आप देखोगे कि वो हर जगह जगह अलग अलग लोग उसी कॉन्सेप्ट पे कंटेंट बना रहे हैं, राइट। तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट से सीख के न्यू कंटेंट अपने लिए तैयार कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, और ये कॉन्टेंट हमें हेल्प करता है आगे ग्रोथ पाने में, राइट। सबसे पहला स्टेप यही है। सबसे पहला स्टेप गाइज ये है, आपको पता चल गया कि आपको कंटेंट बनाना है और वो कंटेंट बनाना है जो रियली वायरल हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे कंटेंट आपको फाइंड करना है और कैसे फाइंड करोगे वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पर्सनल ही कोई चीज को, कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो वो आप अपने प्रोफाइल से बनाओगे, प्लस आपको कॉन्टेंट बनाना है। ये जो कॉन्टेंट मैंने बनाया था, ये कॉन्टेंट आपको पता होगा कौन सी पिक्चर का है। आप पिक्चर का नाम नीचे लिखो, मूवी का नाम सॉरी वेब सीरीज का नाम आप नीचे लिखो। मेक श्योर आप लिखो ही लिखो अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है, तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीजें काम करती हैं, बिकॉज लोग रिलेट कर पाते हैं। जब लोग देखेंगे अरे ये तो मुन्ना भी है, राइट। सो लोग आपके प्रोफाइल पे अट्रैक्ट होते हैं, आपके कंटेंट पे अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज ये कंटेंट सिर्फ आपके प्रोफाइल पे नहीं दिख रहा है, ये आपके होम पे दिख रहा है, एक्सप्लोर पेज पे दिख रहा है। और अगर इंस्टाग्राम को लगेगा कि इस पे सच में लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, लोगों की नजरें जम जा रही हैं, तो इंस्टाग्राम इसको और भी ज्यादा
वायरल करता है, मतलब कि और लोगों तक पहुंचाता है, राइट। तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट तक पहुंचते हैं। डजेंट मैटर कि वो आपके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, डजेंट मैटर वो आपके कंटेंट पे कमेंट कर रहे हैं, बट हाँ वो लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं। और जितना ज्यादा लोग आपके कंटेंट को देखेंगे उतना ज्यादा आपको पैसे जनरेट होंगे, ट्रस्ट मी। जितने ज्यादा लोग आपके कंटेंट को देखेंगे उतना ज्यादा पैसा आप जनरेट कर पाओगे इंस्टाग्राम से, और मैं ये अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा, राइट। सो अगर और नीचे आएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारे रिलेटेबल पोस्ट दिख जाएंगे लाइक यू कैन सी। और इसका भी कमेंट करके बताओ प्लीज, अभी कमेंट करके बताओ, मैं 5 तक गिनता हूँ कि ये कौन से वीडियो से रिलेट करके मैंने ये पोस्ट बनाया है। ये बहुत फेमस चैनल है यूट्यूब का जिनसे रिलेट करके मैंने ये पोस्ट बनाया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। सो गाइज, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिखो, मैं वेट करूंगा, मैं बाद में देखूंगा और रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि मैं कैसे पोस्ट बना रहा हूँ, रिलेटेबल पोस्ट, कि लोगों को तुरंत देख के, अरे ये तो उस वीडियो का है यार, उस वीडियो में हुआ था और वहां से मैंने लेके ये पोस्ट बना दिया, राइट। तो ऐसे करके आपको पोस्ट तैयार करने हैं। कॉन्टेंट इज द किंग, कॉन्टेंट इज द किंगडम नाउ 2021 में, कॉन्टेंट इज द किंगडम। तो आपको कॉन्टेंट बनाना है, डजेंट मैटर आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर आपको लाइक आ रहे हैं, डजेंट मैटर कि आपको कमेंट्स आ रहे हैं। अगर लाइक और कमेंट्स के लिए काम करोगे तो इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ एक इंटेंशन रखना है कि मुझे लोगों को सर्व करना है अच्छे से अच्छा, तब आप पैसा अर्न कर पाओगे। लोगों की हेल्प करना है अच्छे से अच्छे लेवल पे, तभी आप पैसा अर्न कर पाओगे। सबसे ज्यादा मेरा जो बेस्ट चीज है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ नीचे उतर के, मतलब कि उनके लेवल तक जाके, सबसे बेस्ट, तभी मैं ये सारी अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो आपको भी वही चीज करना है कि लोगों की हेल्प करना है। जो भी आपके पास स्किल्स है, जो भी आपके पास पोस्ट है, जिसमें भी आप अच्छे हो, या जो भी चीज आप सेल करना चाहते हो उस पर आपने स्टडी की है, उसके बारे में आपने जान लिया है, तो उससे आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। जब आपका इंटेंशन ये होगा तो आप 101% पैसे अर्न करोगे। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज देख लेनी है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइक ग्रैंड कार्डानो के आपने बात सुना, बहुत बारे में सुना होगा, राइट। तो हम लोग ग्रैंड कार्डानो के प्रोफाइल पे जाते हैं एंड लेट्स सी। तो यहाँ ग्रैंड कार्डानो के प्रोफाइल पे चलते हैं, आप देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। आई थिंक मैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ जो बहुत बड़े बड़े गुरुज हैं इंटरनेट के, राइट। सो यू कैन सी कि ये भी एक पर्सनल ब्रांड डेवलप कर रहे हैं और ये अपना खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट। सो इनका एक 10x करके शो है, तो ये वो सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इनके भी कैसे कैसे कंटेंट है। अगर ये आपसे रिलेट कर पाते हैं तो आप इनके कंटेंट का आइडिया लेके आप भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग प्रोफाइल से मिल जाएंगे, बट बेसिकली आपको अपना कॉन्टेंट क्रिएट करना है, दूसरे का कॉन्टेंट यूज नहीं करना, कॉन्टेंट नहीं चोरी करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट देखना है और उसके ऊपर कॉन्टेंट अपना बनाना है, राइट। और आप जैसे जो जो काम कर रहे हो उससे बहुत बड़े बड़े गुरुज होंगे, आप उनके पेजेस को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। अगर मैं और देखूं एफिलिएट मार्केटिंग में तो जॉन को देखते हैं, जॉन क्रिस्टानी, आपने सुना होगा, जॉन क्रिस्टानी इज हियर। तो जॉन क्रिस्टानी बहुत बड़ा एफिलिएट मार्केटर है, ठीक है। तो अब मैं इसको देखता हूँ ये क्या बना रहा है। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कुछ कंटेंट इसने बनाया है, ज्यादातर इसका पॉडकास्ट रहता है, राइट। तो ऐसे करके आप बहुत बड़े बड़े गुरुज को चेक कर सकते हो, टाई लोब्स को चेक कर सकते हो, जो आपसे रिलेटेड है, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक एड्स का कर रहे हो तो उससे अलग बड़े बड़े गुरुज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और यू कैन सी कि जो हमारे नीश पे काम कर रहे हैं वैसे लोग बड़े बड़े, इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज जो टॉप मार्केटर्स हैं उनसे आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, उनके कॉन्सेप्ट को देख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, और उनके कॉन्सेप्ट का एक आधार, एक बेस लेके आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देख सकते हो। अब वहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटेंट को उठाना है, राइट। कंटेंट उठाना है मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं, कैसे लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं और कैसे वो लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम आपका ये रहेगा। अब नेक्स्ट जो चीज करना है वो ये करना है कि गाइज आपको अगर मान लो क्लिक बैंक, जेवीजू, डीजी स्टोर के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, बट आप सामने आके खुद के प्रोफाइल से प्रमोट नहीं करना चाहते, राइट। या आप जेन्युइनली उस प्रोडक्ट को सामने फ्रंट में आके प्रमोट नहीं करना चाहते, मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, तो यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीश रिलेटेड पेजेस को देखना पड़ेगा। अब नीश रिलेटेड पेजेस कौन से होते हैं, लाइक आपको पता होगा यहाँ 3 सबसे बड़े नीश होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, मेक मनी ऑनलाइन, राइट, है वेल्थ
एंड जो थर्ड है वो है रिलेशनशिप। अगर आपको मान लो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, सो अगर हम लोग लिखते हैं क्लिक बैंक, राइट, क्लिक बैंक इज द एफिलिएट नेटवर्क, राइट। अब क्लिक बैंक अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ बहुत सारे पेजेस होंगे क्लिक बैंक के नाम से, राइट। यू कैन सी कि क्लिक बैंक एफिलिएट ट्रेनिंग यहाँ एक पेज, राइट। बट अगर मैं टाइप करता हूँ हेल्थ, तो अब देखते हैं, सो जैसी मैंने हेल्थ टाइप किया, देखो आपको अलग अलग यहाँ पर दिख रहा है, एक पेज को खोलते हैं। अब देखो मैंने ये पेज को निकाला है हेल्थ, ठीक है। अब इसमें देखो आपको बहुत अलग अलग पोस्ट दिख रहे हैं, ठीक है, पांच ही पोस्ट है यहाँ पर, सॉरी। और यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि वो बंदा क्या कर रहा है, फॉलोअर बहुत ज्यादा कम है और फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, राइट। कुछ मैटर नहीं करता है टॉप का, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ नीश रिलेटेड पेजेस, ठीक है, नीश रिलेटेड पेजेस है ये सब। अब मान लो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जो क्लिक बैंक में है, क्लिक बैंक क्या है, एक एफिलिएट नेटवर्क है, या तो डीजी स्टोर में है या तो जेवीजू में है, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जेवीजू में। तो अब मान लो हमने क्लिक बैंक से कोई सा प्रोडक्ट को चूज किया है जो प्रोडक्ट हमें बताता है कि हम कैसे फिट रहे, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पर सर्च करते हैं फिटनेस रिलेटेड पेजेस, राइट। तो यहाँ पर फिटनेस टिप्स टीयर्स आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो अब देखो गाइज, यहाँ पर 466 फॉलोअर है, इनका एक बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। बट डोंट वरी, आपको जरूरत नहीं है फॉलोअर की, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो यहाँ पर वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना बायो लिखना है, जैसे कि इन लोगों ने लिखा है। आप कोई सा भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, जस्ट आपको उसके ऊपर एक प्रोफाइल बनानी है, याद रखना है ये चीज, याद रखना, सिंपल वे में बता रहा हूँ, उसके ऊपर एक प्रोफाइल बनानी है। सो गाइस, उसके ऊपर आपको एक प्रोफाइल बनानी है। देखो जैसे अभी मैं बात कर रहा था डीजी स्टोर की, हम लोग जैसे इस पेज पे आए, आप देख सकते हो यहाँ पर डीजी स्टोर का इन्होंने लिंक लगा रखा है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम इनके एफिलिएट प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे, जिस प्रोडक्ट का ये लोग एफिलिएट कर रहे हैं, राइट। देखो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ये एक प्रोडक्ट है, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसको बाय करूंगा और उनको क्या हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे ही मैं इसको बाय करने जाता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पर देख सकूँ यहाँ पर कोई शॉप का वो है, तो यहाँ पर देखो बिकम अ मेंबर शॉप डाइट, राइट। अगर मैं एक प्रोटीन पाउडर खरीदता हूँ यहाँ से, जैसे ही मैं इस प्रोटीन पाउडर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। अब बाय करना है, ये एक बहुत अच्छा लैंडिंग पेज नहीं है, बिकॉज मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे तुरंत मिल नहीं रही है। सो मैं आपको बोलूंगा ये बहुत अच्छा लैंडिंग पेज नहीं है, बट यू कैन सी कि आप कैसे कर सकते हो, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू शो यू दिस जस्ट। अब जैसे यहाँ पर आओगे, आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स बता रहे हैं कि भाई आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन द प्रोग्राम पे मैं जैसे ऐसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो ये दोनों चीज कर रहे हैं, ये आपको एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम भी दे रहे हैं प्लस ये प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। तो अब जिनके मतलब जो भी होगा उसको अर्निंग होगी, चाहे आप एज एन एफिलिएट भी ज्वाइन करोगे तो आपके कमीशन से कुछ परसेंट उसको मिलेगा, चाहे आप इसका प्रोडक्ट खरीदोगे तो उनको कुछ कमीशन मिलेगा आपके खरीदने से, ठीक है। तो दोनों में उनका फायदा है, तो वो उन्होंने सीधा पेज उठा के आपको दे दिया कि ये लो भाई और आप कर लो जो आपको करना है, तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आके इस चीज को ज्वाइन करेंगे, तो देखो मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगा और मुझे बोलेगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देगा, तो रजिस्टर नाउ में जैसे ही जाऊंगा तो मुझे ईमेल पूछा जाएगा, मेरा ईमेल और मेरा नेम, ये आपको हर पेज में मिलेगा, क्या मिलेगा, ईमेल और नेम। ऐसे ही अगर आप मेरे अकाउंट पे जाओगे और क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलेंगी। तो आप जैसे ही यहाँ फ्री ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे तो मुझे भी मैं भी आपसे पूछूंगा कि भाई आपका ईमेल और नेम क्या है, बिकॉज ये एक जेन्युइन चीज है, आपको पूछना ही पड़ता है, राइट। जैसे कि मान लो मैं किसी बस में जा रहा हूँ या आपको कहीं पर मिल रहा हूँ या आपके कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया हूँ, आपसे मिल रहा हूँ या आपके स्कूल में आया हूँ या आपके ऑफिस में आया हूँ और आपको मिल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ हेलो आई एम तौहीद एंड यू आर राहुल, राइट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आपको एक दूसरे का नाम बता रहे हैं। वैसे ही ऑनलाइन में अगर आप उपस्थित नहीं हो, वहां पर प्रेजेंट नहीं हो, तो सामने वाला कब आया कब नहीं आया आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसका नेम लोगे, राइट। जैसे मान लो आपके घर में कब कौन आया कब कोई जाए तो ऐसा नहीं चलेगा ना, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है कब कौन जा रहा है, राइट। ये सारी चीज आपको पता रहना चाहिए, तो वहां पर आप प्रेजेंट हो तो वो आप पता कर लोगे। बट यहाँ पर कैसे पता करोगे, तो इन पेजेस के थ्रू जब भी कोई भी मेरे फ्री ट्रेनिंग्स में जाता है
तो वो यहाँ पर लिखेगा आके अपना नाम ईमेल और क्लिक करेगा और वो एंट्री लेगा। तो मुझे पता चलेगा कि मेरे फ्री ट्रेनिंग में भाई राहुल आया हुआ है आज और उसने मेरा ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया है। इसको बोलते हैं आस्क पेज, ठीक है, आस्क पेज। अब आस्क पेज में वो अपना डालेगा नेम और ईमेल और एक्सेस कर देगा, तो मुझे पता चलेगा भाई राहुल मेरे घर में आज एंट्री लिया है। तो इसीलिए लोग क्या पूछते हैं आपसे, ईमेल पूछते हैं और नेम पूछते हैं, एंड देन उसी ईमेल के थ्रू लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग सीखनी है तो आप मेरा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा सस्ता है, राइट, बहुत ज्यादा सस्ता है। आपको नीचे उसकी लिंक दे दे रहा हूं मैं, जस्ट क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 90% ऑफ चल रहा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, राइट। और फ्री वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। आप जैसे मेरे मेरा नेम जहां पर भी यहाँ पर नीचे ऊपर कहीं पर दिख रहा है तो जस्ट जाओ क्लिक करके मेरे चैनल पे, और फ्री वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, ढूंढो वहां पर फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो जाके वो देख सकते हो आप, वहां पर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप सच में अच्छे से सीखना चाहते हो, मेरे टच में रहना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कोर्स का लिंक दिया है, मेक श्योर आप जाके उस कोर्स को ज्वाइन करो। 90% ऑफ चल रहा है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में आप मंथली के 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही छोटे अमाउंट में, राइट। वो अमाउंट जो आप पिज्जा खाने में या पेट्रोल डलाने में खर्च कर देते हो, वो अमाउंट में आपको इतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा। एक चीज और है, इंडिया में अगर आप देखोगे दोस्त कि जब नॉलेज की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, वहीं अगर आपको स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेना रहता है जहां पर मुझे लगता है कि वो सिस्टम वाइज नॉलेज नहीं दिया जाता है, जस्ट आपको पढ़ा दिया जाता है। और यू कैन से कि इंडिया में हजारों पढ़े लिखे लोग हैं बट वो आज अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज उनका एजुकेशन जो हुआ है, जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने फॉलो किया है, वो बेस्ट फॉलो नहीं किया है। तो वही चीज है गाइस कि हम लोग वहां पैसे खर्च कर देते हैं जहां पर हमें लगता है कि बस लगता है कि हो जाएगा कुछ और पोटेंशियल नहीं रहता है, जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई पोटेंशियल नहीं है। बट यहाँ पर एक स्किल की बात है, आपको बहुत कम पैसे में एक ऐसी स्किल सिखा रहा हूं मैं जिससे आप बार बार पैसे जनरेट करोगे। और चलो बार बार क्या, अगर उससे डबल भी जनरेट कर दिए तो ये तो रहेगा ना कि आपके पास पैसे आ गए, राइट। सो गाइज, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो इस मार्केट में और सीखना चाहते हो कम पैसों में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कम पैसों में मोर वैल्यू एंड द मोस्ट एफोर्डेबल एंड द मोर वैल्यूएबल कोर्स आपको मैं नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, द मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। तो ऐसे करके गाइज आप पहले इसको क्रिएट करोगे। अब देखो, मैंने आपको पहली चीज जो सिखाई थी वो कंटेंट क्रिएशन सिखाई थी। अब कंटेंट क्रिएशन जब आपने स्टार्ट कर दिया है, लाइक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कमेंट नहीं आ रहे हैं, डजेंट मैटर। देखो इनके पेज जो है वो 466K फॉलोअर है, लेकिन आप देख सकते हो लाइक 3,000 है, लाइक देख सकते हो 538 है, बट दे आर स्टिल मेकिंग मनी, यू नो व्हाई? अब मैं आपको दिखाता हूँ राज। अब मैं जा रहा हूं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ कि मैजिक क्या है, असल मैजिक क्या है, राइट। सो अगर मैं इसके इनसाइट्स में जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम के, अभी आपको यहाँ देख नहीं रहा होगा, मैं आपको शो करता हूँ क्या शो करना चाहता हूँ। और मैं इनसाइट में जाके अपने अकाउंट रीच पे जाता हूँ कि कितना रीच हुआ है मेरे अकाउंट का इस वीक। सो अगर मैं आपको अब शो करता हूँ, सो यू कैन सी कि बस 7 दिन में यहाँ पर आपको 20,000 अकाउंट रीच दिखेगा। कितना? 20,000, यू कैन सी हियर, फोकस ना, इट्स 20,000, राइट। और आप समझ सकते हो ये सिर्फ 7 दिन का डाटा है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि मेरा अकाउंट जो है वो 20,000 लोगों तक रीच किया है। जिस हफ्ते मैंने जितना मैं पोस्ट करता हूँ उतना मैंने पोस्टिंग भी नहीं की है, एक दिन में एक पोस्ट किया ऑनली, जबकि मैं एक दिन में 3-4 पोस्ट करता हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक पोस्टिंग की है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ लोगों को सिखाने में, टीच करने में, जो मेरी टीम है, जो लोग मुझसे ज्वाइन करते हैं, राइट। अगर आप भी चाहो तो सीख सकते हो, नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मोस्ट एफोर्डेबल कोर्स का, राइट। सो सिर्फ 20,000 लोग मेरे प्रोफाइल में 7 दिन में विजिट किए हैं, सिर्फ 7 दिन में, राइट। अगर आप महीने में जाओगे तो मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 1 लाख तक या 50,000 लोग विजिट करते हैं, मतलब कि इंप्रेशन मेरे अकाउंट को आते हैं जाते हैं, मेरे अकाउंट पर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अब देखो यहां पर गेम है जो मैं आपको समझा। सो गाइज यहाँ पर गेम क्या है? गेम गाइज ये है कि अब ये जितने लोग आपके अकाउंट पे आ रहे हैं जा रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, मतलब कि वो आपके अकाउंट पे आ रहे हैं, आपके अकाउंट को चेक कर रहे हैं, अब वो फॉलो करें या ना करें, बहुत बार लोग भूल जाते हैं, बहुत बार उनको मन नहीं करता है, राइट। बहुत सारे लोगों का प्राइवेट अकाउंट रहता है तो वो
नहीं चाहते हैं कि भाई हम किसी के अकाउंट को फॉलो करें या वो करें, बट वो आपके अकाउंट को देख रहे हैं, राइट? सो अब वो देख रहे हैं तो मतलब कि वो आपके लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं, लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं मतलब कि वो आपके हाइलाइट्स को देख रहे हैं, बिकॉज आपका अकाउंट पब्लिक है, राइट? तो ये जो लोग हैं आपके अकाउंट को चेक करते हैं, आपके अकाउंट के लिंक्स पे विजिट करते हैं और चांसेस रहते हैं कि ये लोग आपसे खरीदेंगे। तो सबसे पहला तरीका जो ये है, बिना फॉलोअर्स के सिर्फ कंटेंट डाल डाल के आप ऐसे करके बहुत सारी सेलिंग कर सकते हो, बट ये जो कंटेंट रहेंगे पूरे आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे, पहला चीज। अब मैं दूसरा चीज आपको बताता हूँ जो इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। अब मान लो मैं फिटनेस का कोई सा कोई फिटनेस का मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, ठीक है, फिटनेस का। अब यहाँ पर जो लाइक है वो इतने सारे हैं, ठीक है। सो इनमें से जाके इनको ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। मतलब कि इनको ढूंढना मतलब मान लो ये है राजवन, राजवन पे मैं जाता हूँ और देखता हूँ राजवन का प्रोफाइल प्राइवेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर मैं बैग जाता हूँ और फिर दूसरों के प्रोफाइल पे जाता हूँ, राइट, राजवन के प्रोफाइल पे अभी हम लोग गए थे, अब हम लोग किसी और के प्रोफाइल पे जाते हैं, यहाँ कुछ इंटरनेशनल लोग हैं, ये भी प्राइवेट है, तो हम प्राइवेट प्रोफाइल पे हमें नहीं जाना है, हमें पब्लिक प्रोफाइल पे जाना है। तो यहाँ पर ये प्रोफाइल पब्लिक है तो हम लोग इसमें जाते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर अभी क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पर आए। अब देखो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ईमेल का एक ऑप्शन आता है, आपको मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है, ईमेल का ऑप्शन। अब उस ऑप्शन से जाके आपको ईमेल लिंक का निकाल लेना है, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ मोबाइल में। तो गाइस जैसे हम लोग जॉय के प्रोफाइल पर अगर जाते हैं तो वहां पर ये ऑप्शन नहीं है जहां पर आप ईमेल फाइंड कर सकते हो, राइट। तो हम लोग दूसरे प्रोफाइल्स को फाइंड करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने इजी तरीके से आप लोगों को पिच कर सकते हो, राइट। अगर हम लोग और भी जो चीजें हैं, जो अलग अलग कमेंट जिन पोस्ट पे आए हैं उन पोस्ट पे देखते हैं, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं मतलब कि वो हाईली इंगेज हैं इस नीश के साथ जो है फिटनेस की नीश, राइट। तो हम लोग दूसरे प्रोफाइल्स पे जाते हैं और उनके ईमेल्स को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं ईमेल वाला सेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई इसका ईमेल यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ दो तरीके आपको मिल जाते हैं लोगों को पिच करने के। पहला तो ईमेल आपको मिलना है, ढूंढना है, राइट। अभी तक मुझे ईमेल वाला प्रोफाइल नहीं मिला है, बट आई एम फाइंडिंग स्टिल, बिकॉज ये आपका फ्री मेथड है तो आपको इसमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग कि मुझे ईमेल वाला मिले तो मैं आपको शो करूं, राइट, जहां पर मैं लोगों को ईमेल कर सकूं, ऐसा मैं प्रोफाइल ढूंढ रहा हूं, राइट। ईमेल का मतलब, अब मान लो इस पेज पे मैं गया, ये जो अपना अपन पेज को ढूंढ के रखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है ईमेल का, राइट, यू कैन सी हियर ईमेल ऑप्शन इज हियर, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको करना क्या है। यहां से जैसे ही आप इस ईमेल पे क्लिक करोगे इस बंदे का ईमेल आपको मिल जाएगा। ऐसे करके आपको डिफरेंट 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 अलग अलग लोगों के प्रोफाइल पे जाना है और उनके ईमेल को कलेक्ट करना है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं, हार्ड वर्क इसमें ज्यादा है, बिकॉज आप एक एक करके लोगों के प्रोफाइल पे जाओगे और उनके ईमेल्स को निकालोगे, राइट। ऐसा आप एक घंटा तक करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 50 ईमेल्स मिल जाएंगे। एक घंटा अगर आप ऐसे करोगे सिर्फ 60 मिनट जस्ट, तो आपको 50 ईमेल्स मिल जाएंगे। अब जिन जिन लोगों के आपने ईमेल्स निकाले हैं उनको आप ईमेल भेजोगे अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, राइट। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरे कोर्स में आप सीख सकते हो, अदरवाइज आपको जहां से मन करे वहां सीख सकते हो, राइट। इट्स ऑनली यू, राइट। फ्री वीडियो भी है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। सो अब आप उनको ईमेल करोगे कि भाई आई हैव दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट कैन लाइक हेल्प यू इन फिटनेस, और आपको मोटा कर सकता है, पतला कर सकता है, आपकी बॉडी बना सकता है, व्हाट एवर, राइट। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे और उनको मेल करोगे अपने मेलिंग सॉफ्टवेयर। सो आप मेलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करोगे। मेलिंग सॉफ्टवेयर ये ऑटो रिस्पॉन्डर है, जैसे मैं इसका यूज करता हूँ मेलिंग बॉस का, ठीक है। मेलिंग बॉस का भी मैं लिंक आपको नीचे दे देता हूँ, आप देख लो, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। मेलिंग बॉस बहुत ज्यादा ईजी है और आपको अनलिमिटेड अनलिमिटेड ईमेल्स करने का परमिशन देता है, ठीक है। तो इसका भी मैं लिंक नीचे दे देता हूँ। ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल है जो मैं यूज करता हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ, ठीक है। अब आप उनको इसके थ्रू मेल करोगे और बताओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब उन्हें अच्छा लगेगा तो वो बाय करेंगे, अदरवाइज वो स्किप करेंगे। बट जैसे कि आप अलग अलग फिटनेस पेजेस पे जाके लोगों को मेल कर रहे हो,
वैसे ही आप लोगों को जाकर अपने प्रोडक्ट को उनके डीएम्स में, मतलब कि उनको मैसेज करके, ये जो ऑप्शन दिख रहा है मैसेज करके ऑफर करोगे, और उन लोगों को ऑफर करोगे जो फिटनेस रिलेटेड पोस्ट पे लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं। मतलब कि मान लो ये एक पोस्ट है और इस पे 21 लोगों ने कमेंट किया है, तो अब आप इन 21 लोगों के सेक्शन में, इनका जो इनबॉक्स का सेक्शन है, वहां जाकर इनको अपने प्रोडक्ट का ऑफर करोगे, इनको क्या करोगे, डीएम करोगे। और आप डीएम ओनली डेली के 20 डीएम्स कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो आपको ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर आपको ब्लॉक से बचना है और 50 डीएम्स डेली के करने हैं, तो आप अपना एक फनल तैयार करो, इस तरह का फनल। अब फनल कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जैसे ही यहां पर आओगे ये वीडियो जरूर देखो, मैंने इसमें बताया है कि फनल कैसे क्रिएट किया जाता है, सॉरी ये वीडियो जरूर देखो जिसमें मैंने बताया है कि फनल कैसे क्रिएट किया जाता है, और आप इजी फनल क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है, और इन फनल्स के थ्रू ही आप काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको एक पेज में समझाता हूँ कि मैं आपको क्या बताया हूँ और आप कैसे ये सारा गेम इजी क्लिक कर सकते हो, खेल सकते हो, और फ्री ट्रैफिक के साथ हर महीने 50,000 1,00,000 तक अमाउंट जनरेट कर सकते हो। जस्ट यू नीड अ स्किल, वो स्किल है ईमेल मार्केटिंग की, जस्ट एंड नथिंग। आपको कंटेंट क्रिएट करना है और ईमेल करना है, कंटेंट ईमेल एंड नथिंग, राइट। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा प्रोसेस क्या है। सो गाइज सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, इंस्टाग्राम आपका ये प्रोफाइल है, उसको अच्छे से क्रिएट करना है, उसके हाइलाइट्स बनाने हैं, एंड ऑल द वर्क जो जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें आपको करनी है, राइट। कंटेंट उसी के रिलेटेड बनेगा जो चीज आप प्रमोट करना चाहते हो, ये ध्यान में रखना, यहीं से सारा गेम स्टार्ट होता है, राइट। फिर उसके बाद आपको करना ये है कि अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट्स को फाइंड करना है जो आपके नीश से रिलेटेड है, और यू कैन से बड़े बड़े अकाउंट को पहले फाइंड करना है, एंड उसमें जाके देखना है कि कौन लोग हाईली एक्टिव हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं। फिर उनके डीएम्स में जाकर आपको एक मैसेज देना है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, जो आपका फनल होगा, राइट, आपका फनल, क्योंकि आप लोगों का ईमेल और नेम को कैप्चर करोगे और उसको अपने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लोगों को सेल करोगे और क्लोज करोगे, राइट। तो ये आपका दूसरा स्टेप होगा। थर्ड स्टेप ये है कि आपको बार बार कंटेंट उनको सेंड करते रहना है अपने ईमेल के जरिए और अपने वहां पर, कहां पर, अपने प्रोफाइल पे। तो ये जस्ट 3 स्टेप आपको यहां पर करने हैं जिससे आपको पूरा मनी जनरेट होगा ऑन इंस्टाग्राम। बहुत ज्यादा इजी है गाइज, इसीलिए मैंने आपको एक पेज पे लाके समझाया कि यही 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है, और यही 3 स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको मेल की लिंक चाहिए कि कहाँ से मेल करें, कैसे मेल करें, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीजें दे रहा हूँ जो जो आपको जरूरत है, प्लस मेरे कोर्स का लिंक दे रहा हूँ अगर आपको और सीखना है तो, राइट। बहुत ज्यादा इजी है, आपको कुछ फनल्स की जरूरत है, मेल्स की जरूरत है, एंड फ्री में जाके लोगों को डीएम करके, उनके मेल कलेक्ट करके, उनको सही प्रोडक्ट देके आपकी अर्निंग हो जाएगी। बेस्ट पार्ट ये है कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो लोग हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज अगर ये हेल्थ में इंटरेस्टेड नहीं होते तो ये हेल्थ वाले पेजेस को फॉलो नहीं करते, राइट। जैसे कि इस बंदे का हम लोगों ने हेल्थ वाले पेज से नाम निकाला था और हम लोग यहाँ पहुंचे थे, सो यू कैन सी कि ये हेल्थ वाला बंदा है, ये हेल्थ में है, इसलिए ये खाने वाने की फोटो डाल रहा है, एंड ऑल द थिंग्स, राइट। सो आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो एक टारगेटेड ऑडियंस है, और यू नो कि अगर आपके पास एक टारगेटेड ऑडियंस है, सो यू कैन मेक जस्ट मनी, तुरंत मनी आप बना सकते हो अगर आप सही कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट लेके पहुंच जाते हो। तो ये होता है सारा गेम, ऐसे गेम काम करता है। तो मेक श्योर गाइज, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मेक श्योर शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों की मैं हेल्प कर सकूं और वो कुछ पैसे कमा पाए। सो गाइज आपको जस्ट करना ये है कि शेयर कर देना है, नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल का आइकन गाइस प्रेस कर देना है, और इस वीडियो को कर देना है लाइक, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों की हम हेल्प कर सकें। क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नीचे सारा लिंक आपको मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो मस्ट चेक एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, जय हिंद।